रोजेदार ठेले स्वामियों पर पुलिस का कहर, तरबूज तोड़ निकाला गुस्सा, खुलेआम दिखाए हिटलर शाही। बिजनौर के शेरकोट में पुलिसिया जुल्म की इम्तहा, महंगाई की मार झेल रहे गरीब ठेलेवार पर जारी। ठेले वालों को सुनाया शहर से बाहर जाने का फरमान। गरीब रोजेदार को आरोप है कि शहर इंचार्ज ने अपनी हिटलर शाही दिखाते हुए न केवल ठेले पर रखे सामान को फेंका, बल्कि ठेले स्वामी सहित ग्राहकों के साथ भी अभद्रतापूर्ण रवैया अपनाते हुए मारपीट की। आक्रोशित गरीब ठेले स्वामी अपना व्यापार बंद कर धरने पर बैठे लगाया जाम। मंगलवार की सुबह रोज की भांति नगर के फलों के ठेले स्वामियों ने अपने अपने ठेले नगर के बाजार में लगा रखे थे। रमजान का पाक महीना होने के कारण भीड़ रोजाना की तुलना में अधिक थी, क्योंकि रोजेदार अपने अपने घरों से आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बाजार में आए हुए थे। दिन के लगभग 11 बजे थे। शेरकोट कस्बा इंचार्ज जितेंद्र सिंह सादी वर्दी में अपने प्राइवेट वाहन से जिला सरकारी बैंक के सामने से गुजर रहे थे। बाजार में भीड़ अधिक होने के कारण लगे जाम में कुछ देर के लिए उनकी गाड़ी भी रुक गई। बस फिर क्या था, मिस्टर हिटलर का गुस्सा सातवें आसमान पर था तथा वे इस बात पर अत्यधिक क्रोधित हो गए। आरोप है कि कस्बा इंचार्ज जितेंद्र सिंह ने वहां खड़े गरीब रोजेदार ठेले स्वामियों सहित ग्राहकों को लाठियों से मारा और उनका सामान सड़क पर फेंक दिया। इस बात से गुस्साए लोगों ने अपना कारोबार बंद कर अली मस्जिद के सामने जाम लगा दिया। घटना के काफी देर बाद थाना अध्यक्ष हिमांशु चौहान ने मौके पर पहुंच जाम लगा रहे ठेले स्वामियों से वार्तालाप कर मामला शांत करने का असफल प्रयास किया, लेकिन व्यापारी वे ठेले स्वामी उक्त दरोगा को सस्पेंड करने की मांग पर अड़े रहे। वहीं ठेले स्वामियों का आरोप है कि ये कस्बा इंचार्ज गरीब ठेले वालों से ठेले लगाने के एवज में महीने देने को कह रहा था। उधर पुलिस ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है। पुलिस का कहना है कि अतिक्रमण के कारण रोजेदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते पुलिस रोजेदारों को सुविधा उपलब्ध कराने के मकसद से आवागमन में आने वाली समस्याओं से नगर को निजात दिलाने में नगर की शांति बरकरार रखना चाहती है। कह दिया उन्होंने सब कर देंगे, आपकी जो मांगे आपकी सारी बातें मान ली सर ने, ये समझ लो बस। उसने क्या होता है भाई, खामोश होकर बात करो। उसने क्या होता है, अपनी समस्या का आराम से एक आदमी जिसके साथ नहीं, उसने क्या होता है ये बताओ पहले। यहाँ बदतमीज करने बुलवाया है क्या? ये जाहिल बना रहने दो, इसलिए कहा मैंने कोई जिम्मेदार हो तो बात करें। भाई तुम्हारे साथ किसके साथ हुए हो? वहाँ पर पांच लोगों के जिम्मेदारी को लेकर बात करेंगे। मैं तो ऐसे ही मारूंगा, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, मारे मारा मुझे, मारा उसने रोजे थे, डंडा मार के गया रोजे थे, कल भी तरबूजे तोड़ी उसने, सात आठ आने आज भी जो दो चपत मार के गया, बोला मैं आज भी तरबूजे तोड़ू।